खंडेराव की भी कोई बात नहीं मानती और तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना? बड़े सरकार ने किसी तरीके की बात की थी? तुम्हारा चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा था कि तुमने फिर से कोई गलत हरकत की है। नहीं सासू भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अहिल्या, बोल भी दो। ऐसा क्या हुआ जो बड़े सरकार ने खंडेराव को अपने मामा के घर भेज दिया? जरूर जरूर तुम्हें लेकर ही कुछ हुआ होगा, या फिर खंडेराव तुमसे इतना नाराज हो गया कि तुम्हारे साथ यहां आने के बजाय अपने मामा के घर चला गया। अपनी खुशी से मर्जी से तो खंडेराव अपने मामा के घर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे दादा साहेब अनुशासन के बड़े पक्के हैं। पूरे परिवार की दिनचर्या सेना की तरह करते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हर एक सदस्य को कोई ना कोई काम दिया जाता है और वो काम उसे करना ही पड़ता है। इसलिए खंडेराव को वहां जाना पसंद नहीं, और फिर मेरा भी वहां जाना होता नहीं। और देखो, बड़े सरकार ने मेरे बेटे को वहां भेज दिया। ये किसी सजा से तो कम नहीं है। बाबा साहब, कहीं मल्हार सरकार को कोई शक तो नहीं हो गया? मुआयना करना चाहते हैं। इसका मतलब तो यही होता है ना कि उन्हें हम पर भरोसा नहीं। हम भी वही सोच रहे हैं। मल्हार राव कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसका अंदाजा लगाना असंभव है गुनोजी। खैर, महल के हालात हमारी मुट्ठी में है। मुआयना करने दो उन्हें, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन हमले के वक्त अगर खंडेराव यहां नहीं हुआ तो हमारी सारी कोशिश और साजिश पर पानी फिर जाएगा। होलकर खानदान का वारिस है खंडेराव। उसके जिंदा रहते गद्दी पर हमारा कब्जा नहीं हो सकता। अहिल्या, सच सच बताओ ना, चौंडी में क्या हुआ बता? सुभेदार जी के पद का मान रखते हुए आप उनके हर आदेश का पालन कर सकते हैं, तो गंगोबापन रानी होने के नाते मेरे भी आदेश का पालन करना होगा। सच कहकर चौंडी में क्या हुआ था?
एक बात बताइए मुझे, तो अब क्या करें बाबा साहब? हमले की योजना को अभी के लिए टाल दे? नहीं, पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका हूं। अब हाथ में आया हुआ मौका गवाना ठीक नहीं होगा। सारी तैयारियां हो चुकी है, बाद में नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। जैसा तय हुआ है वैसा ही होगा। और खंडेराव, आपने ही तो कहा बारिश के जिंदा रहते हम कत्ती पर। खंडेराव, अगर वसंत पंचमी को लौट आया तो अच्छी बात है, वरना उसे बाद में देख लेंगे। होलकर खानदान खत्म तो हो जाए, उस खंडेराव को तो हम चींटी की तरह कभी भी मसल सकते हैं। बहुत नाराज हुए सरकार, छोटे सरकार पर। अपने गुस्से पर काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम अहिल्या जैसी पत्नी के लायक ही नहीं हो। सरकार ने छोटे सरकार से यह भी कहा कि गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें छोटी सुनवाई से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना कोई शर्म की बात नहीं, जिसे तुम साफ खुली आवाज में ना कह सको फिर से कहो और ऊंचे स्वर में कहो ताकि सबको सुनाई दे। मुझे माफ कर दो अहिल्या। कितना अपमान, कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी मेरे बेटे को। ऐसा भी कोई गलत काम नहीं किया था उसने, फिर भी इतना निरादर, वो भी उसके ससुराल वालों के सामने। आपने ये अच्छा नहीं किया बड़े सरकार। लेकिन खंडेराव, अपने आप को कभी अकेला मत समझना। ये आई हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा। मेरे बेटे के साथ ऐसा भेदभाव मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था अहिल्या। देखना मेरे कारण तुझे तेरी सासु भाई से कितनी डांट पड़ गई। नहीं रीनू, ऐसा कुछ नहीं है। और तू इतना मत सोच, सासु भाई तो आई समान होती है ना, और आई तो हमेशा ही डांटती रहती है, उसकी डांट का बुरा नहीं मानते। वो घर की छोटी छोटी बातें अलग होती है अहिल्या, लेकिन मेरे कारण तेरी सासु भाई का गुस्सा होना बहुत अलग बात है। आज जी सही बोलती है, सारी मुसीबत मेरे कारण ही आती है।
जहाँ जाऊं वहीं परेशानी। हीनू, तू ऐसा कभी मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। और देख, मैंने थोड़ी ना जिद की है कि रीनू को मेरे साथ ले चलो, या फिर तूने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे भी साथ में चलना है। सुविधाएं जी तो तुझे खुद लाए है ना यहाँ। और जैसे उन्होंने तेरे आई बाबा को मनाया, वैसे ही वो सासु भाई को भी मना लेंगे। वो तो बस बताने ही वाले थे, पर तना जी काका आ गए ना, इसलिए उन्हें काम से जाना पड़ा। अच्छा ये सब छोड़, तुझे भूख लगी होगी ना? नहीं, ऐसे कैसे नहीं, सुबह से तो तूने कुछ नहीं खाया। एक काम कर, तू मेरे कमरे में चल, मैं तेरे लिए रसोई से कुछ लाती हूँ, चल। नहीं अहिल्या, जब तक तेरी सासू भाई हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी। पर सासू भाई को समझाने में भी तो देर लगेगी ना, और सुपिता जी का काम जब खत्म होगा तभी तो वो सासू भाई को समझाएंगे। फिर तब तक क्या तू ऐसी भूखे पार बैठी रहेगी? चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तेरी सासू भाई नहीं मानेगी, सबकी अनुमति नहीं मिलेगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो यही रुक, मैं रसोई से तेरे लिए यही कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। रघु जी, किसी भी तरह का संदेह हो तुरंत कार्यवाही करने का अधिकार है आपके पास, छानबीन बाद में करते रहेंगे जी। लेकिन दुश्मन को पाव पसारने का मौका नहीं दे सकते, इस वक्त हर एक पल बहुत कीमती है, जानते हैं ना। अहिल्या, अकेली क्यों घूम रही हो तुम, तुम्हारी सहेली कहाँ है? वो मैं उसी के लिए खाना लेने जा रही थी। देखा, सहेली के आते ही हमारी सुनबाई व्यस्त हो गई। अब रेणु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, उदासी की अकेलेपन की नौबत ही नहीं आएगी, सदा मुस्कान दिखाई देगी तुम्हारे चेहरे पर। क्यों, वैसे व्यवस्था कहाँ की है तुमने अपनी सहेली के रहने की? जी, तुम जाओ, हम आते हैं जी। बात क्या, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस सासू भाई। है कहाँ तुम्हारी सहेली? वो बाहर बैठी है। अपने सहेली को लेके जाओ अपने कक्ष में। पर सुविधा जी, रेनू ने मुझसे कहा था कि जब तक सासू भाई उसे अंदर लाने के लिए हाँ नहीं बोल देती तब तक रेनू अंदर नहीं आएगी। है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि हमारी सुनबाई की पक्कम पक्की सहेली बाहर अकेली बैठी है और हम सब अंदर, है ना? जाओ उसे अंदर ले आओ, जाओ जाओ। ठीक है, अभी लेके आती हूँ। तू पता है रीनू, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। रुक जा अहिल्या,
देखो, सब हमें देख रहे हैं। अब तो गांव की अहिल्या नहीं है, यहाँ की सुनबाई है। तो क्या हुआ, सुनबाई कभी खुश नहीं हो सकती क्या? अगपन बोलो। ठीक है ना, देखने दे। और सासुबाई से थोड़ी बहुत डांट में खा लूंगी। रीनू अब तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना? मतलब रानी सरकार मान गई? मानी तो नहीं, पर मान जाएंगी। सुबेदार जी उनसे बात कर लेंगे। और रीनू पता है तुझे सुबेदार जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपनी सहेली को ऐसे ही बाहर बैठाना ठीक नहीं, उसे अंदर ले आओ। और इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब हुआ कि तू हमेशा मेरे कमरे में रहेगी। इस वाड़े में कहीं और नहीं। सच? हाँ सच। पता नहीं क्या बात है, आज किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। ऐसा ही गुस्सा है उनका, जब चढ़ता है ना तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाके कुछ कहने की। अब जाके दूसरा काम देखिए, यहाँ अभी आपकी जरूरत नहीं है। समझ सकते हैं आप कितनी नाराज हैं हमसे। अफसोस इतने दिन बाद मुहिम से घर लौटे हैं, मगर आप तो गुस्से में बात करेंगे नहीं, सिर्फ बर्तनों की आवाज आएंगी। मगर समस्या ये है रानी साहब कि हमें बर्तनों की भाषा समझ में नहीं आती। आपको याद है वो दिन जब इस रसोई में इसी तरह अकेले काम करते देखा था हमने आपको? खंडेराव 2 साल का था और हमने उसे पहली बार डांटा था। बच्चे को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन जिस तरह आप हम पर भड़क उठी थी देवा, इतना गुस्सा कि हमारी तरफ देख भी रही हो मगर देख भी नहीं रही। मुझे भी इस तरह से बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इस बात का एहसास हो जाता है कि इस महल में मेरी जगह सिर्फ रसोई से जुड़े निर्णय लेने तक ही सीमित है, उसके अलावा कोई बात कहने या सलाह देने का भी अधिकार नहीं है, तब हम यहां आते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो गौतमा? तुम जानती हो हम। हाँ मैं जानती हूं कि आपने हमारे बेटे के शादी का बड़ा और अहम फैसला मुझसे पूछे बिना
बताए बिना ही कर दिया था, लेकिन तब भी एक बात की तसल्ली थी मन में कि आप जो भी करेंगे खंडेराव के भले के बारे में सोचकर ही करेंगे। लेकिन क्षमा कीजिए सरकार, यहां जो कुछ हो रहा है उससे मेरे बेटे का भला तो कभी भी नहीं हो सकता। मेरा बेटा तकलीफ में है, घुट रहा है अंदर ही अंदर, और यहां आपके सामने जो मां खड़ी है वो इतनी मजबूर है कि चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है गौतमा, न जाने आप ऐसा क्यों सोच रही। आप मां है तो हम पिता है उसके। अपने बेटे को गलती करने से रोकना, उस पर नाराज होना गुनाह लगता है आपको? नहीं, आपको पूरा हक है खंडेराव पर नाराज होने का, उसे समझाने का, लेकिन क्या खंडेराव हमेशा दांत खाने वाले ही काम करता है? उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है क्या? पिता का धर्म सिर्फ डांटने से पूरा नहीं होता, उसके साथ प्यार से बैठकर चार बातें समझाने और उसे ये भी जताने की जरूरत होती है, बेटा तुम घबराना नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप ये कहना चाहती हैं कि हम अपने इकलौते बेटे से प्यार से बात ही नहीं करते? खंडेराव की तरह आप भी गलतफहमी का शिकार हो गई होगा तुम्हें। गलतफहमी ही हो तो अच्छा। पिछले कुछ दिनों से खंडेराव के प्रति आपका जो व्यवहार है, जिस तरह से नियम और कायदों की बातें आप करते हैं, उससे तो मुझे साफ साफ लगता है कि आप पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं अपने बेटे और सुनभाई के बीच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।